ग्रेट हेलो फ्रेंड्स, आई एम हार्दिक कबरिया वंस अगेन आपके ही कोई क्वेश्चंस का आंसर लेकर मेरे चैनल में, जो स्पेशली वर्कआउट कर रही है बिजनेस ग्रोथ के लिए। सो अब तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल और क्लिक द आइकॉन बटन, बेल आइकॉन बटन, सो यू विल गेट द डेफिनेटली यू विल कीप गेटिंग द अपडेट्स। सो आज का क्वेश्चन क्या है? नाउ फ्यू ऑफ द पर्सन जो फॉरेन कंट्रीज में पढ़े हुए हैं, फॉरेन कंपनियों में कई बार काम करके यहाँ आए हुए हैं, तो उन्होंने एक अलग कल्चर देखा है, अपॉइंटमेंट सिस्टम वहाँ पर देखी हुई है। यहाँ पर जब वो काम करने आते हैं तो उनको कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट कल्चर मिलता है। बहुत सारे अपर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में या फिर बॉम्बे जैसे या दिल्ली जैसे कुछ जगहों पे, कुछ कुछ एरियाज़ में ओनली अपॉइंटमेंट बेस्ड सिस्टम काम कर रही है, लेकिन पूरे इंडिया में ये काम नहीं हो रही है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पूरे इंडिया में शायद 80-90% अपॉइंटमेंट से बेस्ड वर्कआउट अपना नहीं है। तो ये कल्चर और वो कल्चर में डिफरेंस क्या रहेगा और क्या हमें वो कल्चर अपनाना चाहिए, और यदि अपनाना चाहते हैं तो अड़चने क्या रही है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। सो सबसे पहले, व्हाट इज़ एन अपॉइंटमेंट सिस्टम? नॉर्मली एक बंदे को, यदि आपको किसी बंदे को भी मिलना है तो आप उसका एक अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसको वो अपने कैलेंडर में देखता है, वो देखता है कि वो किस दिन किस समय पे अवेलेबल है, और उस समय पे वो आपकी अपॉइंटमेंट वहाँ पर फिक्स करता है। और जब आप उसको उस दिन मिलने जाओगे तब वो बंदा उस टाइम पे अवेलेबल रहेगा, और यदि आपने उसको 30 मिनट का बोला है तो वो 30 मिनट तक उसने अपना स्लॉट बुक किया होगा। हो सकता है 5-10 मिनट आपको प्लस दे, लेकिन उसके बाद उसने कोई दूसरी अपॉइंटमेंट सेट की होगी। सो दीज आर द कल्चर फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। अब देखा जाए तो मोस्टली काम के अंदर तो ये सिस्टम है, लेकिन उनके तो एजुकेशन, डॉक्टर सब में ये सिस्टम है। यदि आपको उसके अपने खुद के डॉक्टर्स को मिलना है फिर भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, आप इन एक्सेप्ट सम इमरजेंसी केसेस, और आपको यदि आपके टीचर तक को मिलना है तो आपको उसके लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। सो दीज आर द कल्चर। नाउ इन इंडिया समटाइम दीज आर नॉट द कल्चर। सो क्या ये कल्चर सही है और क्या हमें अपनाना चाहिए? आई डेफिनेटली रिकमेंड कि ये अपनाना चाहिए। मेरा मास्टर एजुकेशन लंदन में हुआ है, और लंदन ब्रिटिशर्स आर कंसिडर टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन द सिस्टम बेस्ड, और मैंने वहाँ पर कॉरपोरेट्स में काफ़ी टाइम काम किया है, फॉर्चून 500 ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मैं कई बार काम कर चुका हूँ। तो ये मैं बहुत सारे टाइम तक, मोर देन 7-8 ईयर्स मैंने उस कल्चर में काम किया है, और इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम आई कैन से। क्योंकि बंदा, यदि मेरे और आपके पास यदि कोई सबसे कीमती चीज़ कोई है तो वो है समय। बाकी सब अपने पास चलो मिल सकता है, लेकिन समय मुझे और आपको नहीं मिलेगा। यदि आपने आपके समय को सही से इस्तेमाल नहीं किया तो वो समय लॉस्ट हो जाएगा या फिर बर्बाद हो जाएगा। और अपॉइंटमेंट बिना की सिस्टम, उसमें सबसे बड़ा है टाइम लॉस्ट। होता क्या है कि यदि आप कोई चीज़ करने बैठे तो उसके लिए कुछ टाइम, फोकस, सब कुछ चाहिए होता है। जब भी आप कुछ काम करोगे तभी अचानक आपको किसी ना किसी बंदे का फ़ोन आ जाएगा, या फिर कोई बंदा मिलने आ जाएगा, या कोई बंदा अर्जेंटली बुला लेगा। सो उस केस में क्या होता है कि बंदा रेगुलरली कोई चीज़ को फोकस से नहीं कर पाता। सो नाउ द वन वर्ड रियली मिसिंग ओवर हियर इज़ अ फोकस, फर्स्ट ऑफ ऑल। सो कितने मिसिंग है मैं आपको बताता हूँ। यदि आप अपॉइंटमेंट बेस्ड सिस्टम से काम नहीं करते हैं तो सबसे पहले फोकस मिस होता है। नाउ सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइम मिस होता है। उसका रीज़न क्या है कि यदि कोई काम करने के लिए आपको 30 मिनट लगते हैं तो हो सकता है कि अनअपॉइंटमेंट बेस्ड सिस्टम में वही काम करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग जाए। फॉर एग्जांपल, आप किसी को मिल रहे हो तो आपको उसके साथ मज़ा आ रहा है, तो मीटिंग 2 घंटे भी चली, 1 घंटे भी चले, कुछ उसका आता पता नहीं, क्योंकि आप शेड्यूल्ड नहीं हो। इसलिए क्या होगा, आज का काम कल पोस्टपोन होगा, कल का काम परसों पोस्टपोन होगा। सो टाइम इज़ अ बिग प्रॉब्लम, फोकस इज़ अनदर प्रॉब्लम, और आपके काम सही नहीं होने की वजह से प्रोडक्टिविटी इज़ अ बिगेस्ट लॉस। आप कितने भी काबिलियत वाले बंदे क्यों ना हो, आप एक्टिविटी करोगे लेकिन वो जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, आपका जो ग्रोथ होना चाहिए, आपकी जो सक्सेस होनी चाहिए, वो प्रोडक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी। उसका मेजर रीज़न होगा क्योंकि आप जो है ना, आपके टाइम को सही से बांट नहीं पाए। आपने आपका टू डू लिस्ट तो लिखा, आपने अपने काम तो लिखे, लेकिन आपके अपॉइंटमेंट ना होने की कल्चर की वजह से आपको इतने सारे काम आए कि जिसकी वजह से जो काम जिस टाइम पे होना चाहिए पहले तो वो नहीं हुआ, और यदि हुआ तो भी जिस फोकस से, जिस आइडिया से वो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उसकी वजह से ये बड़ा लॉस हुआ। सो दीज आर, और लिस्ट बहुत लंबी है विदाउट अपॉइंटमेंट यदि आप काम करें तो, क्योंकि जो बंदा अपॉइंटमेंट के साथ काम करता है, आप सोचो वर्ल्ड की जो डेवलप कंट्रीज़ है उसमें भी आज सोच रहे हैं वो लोग कि पहले तो 7 दिन का वीक था, उसमें यदि हम यहाँ
हमारे बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जो सातों दिन काम करती है, बहुत सारी इंडस्ट्री है वो छः दिन काम करती है, लेकिन बहुत कम इंडस्ट्री है जो पाँच दिन काम करती है। फॉरेन कंट्रीज़ में लगभग ज़्यादातर मुझे लगता है कि सब इंडस्ट्रीज़ पाँच दिन काम करती है, मतलब बंदा पाँच दिन काम करता है। और आजकल तो ये भी फैशन में है कि पाँच में से भी चार कर देना है, तो चार दिन आठ घंटे मतलब बहुत कम टाइम हुआ, फिर भी कई बार उनकी प्रोडक्टिविटी अपने से बहुत ज़्यादा होती है। उसका मेजर रीज़न यदि कोई है तो वो ये है कि वो पहले से एक माइंडसेट के साथ है कि मुझे हर काम कुछ टाइम ड्यूरेशन में और शेड्यूल अपॉइंटमेंट के साथ ही करना है, ये बंदा मुझे इतने टाइम के लिए ही मिलेगा और इस वक्त ही मिलेगा, तो मुझे उसके हिसाब से ही सेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ कई बार यहाँ नहीं होने की वजह से दोनों का, अपॉइंटमेंट देने वाले का भी अपॉइंटमेंट लेने वाले का, दोनों का बड़ा टाइम लॉस होता है। सो ये यहाँ पर टाइम लॉस वर्कआउट करेगा। नाउ द थिंग इज, बैरियर कहाँ पर है? बैरियर ये है कि यदि मैं चाहूँ तो भी मैं ये अकेला नहीं कर सकता। हो सकता है ये जो वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारे लोगों तक पहुँचूँ, और हो सकता है कि ये वीडियो यदि आप अपनी कंपनी में है तो आपकी कंपनी के हर मेंबर्स को दिखाए और लोगों का माइंडसेट बनाए। क्योंकि यदि जब तक ये माइंडसेट नहीं क्रिएट होगा विद इन ऑर्गेनाइजेशन, तब तक आपका काम नहीं होगा। हो सकता है कि आपने तो अपना सिस्टम बना लिया कि मैं किसी को अपॉइंटमेंट से ही मिलूंगा या फिर मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन सामने वाला यदि बंदा आपको कोऑपरेट नहीं करता है तो आप उस सिस्टम के हिसाब से नहीं चल सकते। मैं आपको एक मेरा अनुभव बताता हूँ कि जब मैं यहाँ आया तो मैं पहले क्या करता था कि किसी बंदे की 12 बजे के अपॉइंटमेंट लेकर मैं सोचता था कि उसको मैं आधा घंटा मिलने के बाद मेरा ट्रैवलिंग टाइम कुछ थोड़ा टाइम है तो मैं डेढ़ बजे किसी और की अपॉइंटमेंट लेता था। लेकिन जब मैं 12 बजे किसी के पास जाता था तो उसने तो सिर्फ हाँ ही बोल दिया, हाँ भाई आ जाओ ना मिल लेंगे, लेकिन वो एक्चुअली तब फ्री होता ही नहीं था कभी। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं है। तो क्या हुआ कि मैंने खुद तो सोच लिया कि मैं अपॉइंटमेंट बेस चलूंगा, लेकिन वो यदि नहीं चल रहा तो मेरी सिस्टम भी काम नहीं करेगी। तो यदि आपको वर्कआउट करना है अपॉइंटमेंट बेस, तो सबसे पहले आपके आसपास के लोग, आपकी कंपनी के लोग, आपके आसपास जो भी लोग हैं जो रेगुलरली आपसे मिलते हैं, उनके साथ ये कल्चर क्रिएट करें और अपॉइंटमेंट बेस स्ट्रक्चर करें, उसके बाद और आगे, सो देन यू कैन एबल टू वर्कआउट मोर। बट द फर्स्ट थिंग इज, आपको शुरुआत छोटे से करनी पड़ेगी, वरना आप सबसे एक्सपेक्ट करोगे तो कहीं से आपको कुछ नहीं मिलेगा एंड यू विल बी टायर्ड ऑफ दिस ऑल, और लास्ट में आपको कुछ हाथ तो नहीं आएगा लेकिन आप फ्रस्ट्रेट भी हो गया, आपको लगेगा यार उससे तो नहीं करना ही ज़्यादा अच्छा था। लेकिन ये ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, आगे जाके ये कल्चर आपको काम लगने वाला है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और काम बहुत बढ़ने वाले हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रही है, ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स आ रही है, बहुत सारे मतलब आपके ऊपर दिन प्रतिदिन काम बढ़ रहे हैं, काम कम नहीं हो रहे, समय उतने क्या उतना है। लेकिन यदि आप अपॉइंटमेंट बेस नहीं चलोगे तो आगे जाके आप मार्केट के अंदर बहुत आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। सो गोर, आप जब छोटे हैं, मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन अभी आपकी अभी एक लेवल पे नहीं है, तभी यदि आपने ये कल्चर या हैबिट बना ली तो आपको आगे जाके बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। सो यदि आपको इसमें कोई भी क्वेश्चंस है आप कमेंट बॉक्स में लिखे, उसके ऊपर हम और वर्कआउट करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ के लिए हम फिर मिलेंगे।